I see you dancing, lagdi hai kudi tu fancy. Eh sare munde vi flexing, lagda je apna te chance nahi tawi. I grew up watching all the different reality shows on both Indian and Pakistani channels. और मैं हमेशा से सोचता था कि how would it feel to be the part of these shows. वैसे तो पाकिस्तान में कोई शोज नहीं होते, लेकिन जब बोल ने अनाउंस किया कि दे आर कैरिंग ऑडिशंस फॉर चैम्पियंस इन कराची, तो मैंने कहा कि ये मौका तो मिस नहीं करना. मैंने प्लेन की टिकट ली और मैं निकल पड़ा लाहौर से कराची की तरफ फॉर द ऑडिशंस. So guys, finally इस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और ये मेरी पहली डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो आई एम अ लिटिल बिट स्केयर्ड क्योंकि पाकिस्तान में यू नो जहाज़ों को क्या होता है. होपफुली आई विल मेक इट देयर और उधर इंजॉय करेंगे. आप लोग भी ज़रूर आइएगा. अभी डेस्टिनेशन मैं नहीं बता रहा, अगर मैंने टाइटल में नहीं दी तो फिर सरप्राइज आप लोगों के लिए. फिर तू आखें चुप,
तू सारी बरिया दी रानी विच आसमान दस की मंगना हो तू आंखें अस्सलामुअलैकुम कैसे हो सर मेरा यूट्यूब चैनल है तो आप बोल देंगे नहीं बेटे ये वाला काम मुझे आया नहीं अभी बेटे आता नहीं मुझे बाकी ये वाले से भी नहीं सीखा था सो गाइस आई वाज सो हैप्पी टू रीच कराची और ये मेरा पहली था कराची का टूर था और इट वाज लाइक अ होल न्यू प्लेस आई फेल्ट लाइक गोइंग टू एन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और मैं सुबह सुबह उठा 6 बजे मैं पहुंच गया बोल के ऑफिस और वहाँ इंतज़ार होने लगा काफ़ी लोग आने लगे ऑडिशंस के और ये वो उन्होंने हमें लाइनों में लगाया और शूटिंग शुरू हो गई जो ऑल द प्री पार्ट होता है ना जैसे ये भागे हम कैमरे की तरफ शोर मचाते हुए एंड थिंग्स लाइक दैट और इसी तरह करते 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 रात के 5 बज गए और वो हमें ले गए एक ऑडिटोरियम में एंड दे सेड दैट वकार इज़ हेयर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑडिशंस लेकिन फिर द बैड लक स्ट्राइक्स ही A month ago, I was diagnosed with kidney stones. I did medication for like 1 month and was feeling better than ever. But as I was sitting in the auditorium, suddenly I start feeling pain in my left kidney. I held there for 1 hour. I did not want it to miss this opportunity in a hope that this will get better. But no. It was so heartbreaking for me. I flew all the way from Lahore to Karachi just for the audition, just to get one opportunity. And it was all in vain. I had to go to hospital. And I couldn't even properly visit Karachi. I never got a chance even to go to the seaside or to the Qaid-e-Azam's mausoleum. I only saw hospitals. ऑडिशन वर एक्चुअली 3 days सो आई थॉट के ओके चलो कल ऑडिशन दे लेंगे आई विल बी फीलिंग बेटर कल बट एट नाइट आई वॉज रश टू हॉस्पिटल इन एमरजेंसी एंड आई वॉज फोर्स टू बाय अ टिकट बैक टू लाहौर और फिर मैं बैठ गया प्लेन में टूटे हुए हाफ के साथ उदास दिल के साथ क्योंकि जब किस्मत में नहीं होता तो इंसान कुछ नहीं कर सकता उस दर जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि यू आर सो हेल्पलेस इन दिस रिकॉर्ड सो दिस वाज ऑल माय स्टोरी ऑफ चैम्पियंस एंड अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू